वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्राफर। सो गाइस, आईओएस 18 का जो डेवलपर बीटा 4 का अपडेट था वो ऑलमोस्ट अभी 2 हफ्ते हो चुके एंड एज यू ऑल नो कि डेवलपर बीटा 4 के बाद आपको डेवलपर बीटा 4.5 का अपडेट आया था। उसके कुछ दिन बाद यहां पर पब्लिक बीटा 2 का भी अपडेट जो है वो दिया गया था। पर यहाँ पर जो अपकमिंग अपडेट है आईओएस 18 का, दैट इज डेवलपर बीटा 5 और पब्लिक बीटा 3, जो कि यहाँ पर जो अपकमिंग मंडे है दैट इज ऑन 5th of August, जो कि ये दोनों अपडेट बीटा 5 और पब्लिक बीटा 3 का जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि कौन से फीचर्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा इन द अपडेट ऑफ डेवलपर बीटा 5 एंड एट द सेम टाइम पब्लिक बीटा 3 ऑन 5th of August। तो आज की भी इस वीडियो में मैं यही यहाँ पर फीचर्स जो है आपको डेवलपर बीटा 5 में साथ में पब्लिक बीटा 3 में के साथ जो देखने को मिलेगा उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये दोनों यहाँ पर जो अपडेट था पब्लिक बीटा 2 या फिर डेवलपर बीटा 4.5, ये दोनों अपडेट में ऐसा बताया गया था कि जो RCS का जो फीचर्स है जो कि आपको मैसेजेस में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का जो RCS का फीचर्स है वो आया नहीं एंड होपफुली इस बार बीटा 5 के साथ या फिर जो पब्लिक बीटा 3 के साथ यहाँ पर आ सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि RCS का जो फीचर्स है ये ऑलरेडी iOS 18.1 में देखने को मिल चुका है, जो कि iPhone 15 Pro एंड Pro Max के लिए यहाँ पर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है एंड होपफुली बीटा 5 के साथ RCS सपोर्ट जो है वो सभी देशों में यहाँ पर रिलीज हो सकता है, एट द सेम टाइम पब्लिक बीटा 3 में भी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, दैट इज कॉल रिकॉर्डिंग। तो गाइस, बहुत लोग मुझे कमेंट किए कि कॉल रिकॉर्डिंग के जो फीचर है क्या सभी आईफोन के लिए आएगा। तो यस गाइस, गुड न्यूज ये है कि ये जो कॉल रिकॉर्डिंग का जो फीचर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम आईफोन 11, यानी जो आईफोन iOS 18 के लिए यहाँ पर एलिजिबल है उन सभी आईफोन को यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का जो फीचर्स है ये दिया जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर बीटा 5 या फिर पब्लिक बीटा 3 में आपको ये जो कॉल रिकॉर्डिंग का जो फीचर्स है सभी आईफोन में देखने को मिल सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर फीचर, दैट इज यहाँ पर आईफोन मिररिंग। एज यू ऑल नो कि आईफोन मिररिंग जो है एटलीस्ट इंडिया पे यहाँ पर जो है दिया नहीं गया है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो एयरप्लेन कंटिन्यूट पे अभी भी यहाँ पर आईफोन मिररिंग का ये फीचर से ये आया नहीं है एंड होपफुली बीटा 5 या फिर पब्लिक बीटा 3 के साथ ये फीचर्स हुए देखने को मिल सकता है। अगला फीचर है शेयर प्ले। तो गाइस, आई होप कि आपको याद रहेगा कि iOS 17.4 में शेयर प्ले का जो फीचर से ऐसा बताया गया था कि सभी आईफोन में देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो पॉसिबल हुआ नहीं एंड ऐसा बताया जा रहा है कि मोस्ट पॉसिबली यहाँ पर जो बीटा 5 का अपडेट आएगा iOS 18 का उसमें आपको शेयर प्ले का ये जो फीचर से आईफोन के लिए यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और साथ में iOS 18 पब्लिक बीटा 2 में जो बैटरी जो डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि बैटरी हेल्थ किसी का डिक्रीज हो जाना या फिर बैटरी जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो भी डिक्रीज हो जाना, ये सब कुछ यहाँ पर जो है ये जो बग्स एंड इशूज जो आ रहे हैं देखने को मिल रहा है ये शायद यहाँ पर सॉल्व हो सकता है इन द अपकमिंग अपडेट ऑफ iOS 18 पब्लिक बीटा 3 या फिर बीटा 5। सो गाइस, दिस वर द मेन फीचर्स जो कि आपको यहाँ पर iOS 18 के जो डेवलपर बीटा 5 और पब्लिक बीटा जो 3 है जो कि मोस्ट प्रोबेबली 5th of August को देखने को मिल जाएगा, तो उसमें ये सब फीचर्स जो है आने वाला है। आई होप ये जो वीडियो आपको पसंद आए। कोई भी चीज़ जानना हो रिगार्डिंग iOS 18 या फिर कोई भी इशू अगर आ रहा है iOS 18 रिलेटेड, तो गाइस यू कैन कमेंट मी डाउन, आई विल ऑलवेज रिप्लाई यू बैक। टिल देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। मैं मिलता हूं और वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।